आखिरकार पाकिस्तान में अब क्या हो रहा है? इमरान खान की पीटीआई की रैली से पहले ही रेड जोन सील क्यों हो गए हैं? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान और चीन की पवित्र जमीन, दोनों ओर के लोगों का खून एक, शी जिनपिंग ने कौन सी नई कसम खाई है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी की ओर से प्रस्तावित विरोधी रैली से पहले इस्लामाबाद के रेड जोन को सील कर दिया गया है। ये रैली पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई और न्यायपालिका के समर्थन में आयोजित की जा रही है। इमरान खान जो फिलहाल जेल में है, उन्होंने अपने समर्थकों से इस्लामाबाद के डी चौक पर शुक्रवार को इकट्ठा होने का आह्वान किया। इस्लामाबाद प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर रेड जोन के चारों तरफ कड़े इंतजाम किए हैं। रेड जोन तक जाने वाले रास्तों पर शिपिंग कंटेनर रखकर सड़कें बंद कर दी गई है। सिर्फ मार्गला रोड को यातायात के लिए खुला रखा गया है, जबकि एक्सप्रेस हाईवे पर भी कई जगह कंटेनर रखे गए हैं ताकि आपात स्थिति में सड़कें तुरंत बंद की जा सके। इस क्षेत्र में प्रमुख सरकारी कार्यालयों और राजनयिक मिशनों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। इस्लामाबाद में सुरक्षा व्यवस्था का एक और कारण मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा है, जो बुधवार को शुरू हुई है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई द्वारा की जा रही राजनीतिक गतिविधियों और विरोध प्रदर्शनों के बीच इस यात्रा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा को और सख्त कर दिया गया है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई हाल के दिनों में सक्रिय रूप से रैलियां और विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रही हैं। इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी में पीटीआई ने प्रमुख राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। पार्टी ने बुधवार को मियांवाली, बहावलपुर और फैजलाबाद में भी विरोध प्रदर्शनों को आह्वान किया है, जो शुक्रवार को डी चौक पर होने वाले मुख्य प्रदर्शन का हिस्सा थे। इमरान खान 5 अगस्त 2023 से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ कई कानूनी मामले लंबित हैं। इन कानूनी मामलों का अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है, जिससे पीटीआई के समर्थकों में असंतोष बढ़ रहा है। खान की हाल की गतिविधियां ये दिखाती है कि वह अपने राजनीतिक ताकत को दोबारा प्राप्त करने और कानूनी लड़ाइयों के बीच जन समर्थन को जुटाने के लिए विरोध प्रदर्शन और रैलियों का सहारा ले रहे हैं। इस्लामाबाद में पीटीआई की रैली से पहले सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है, जबकि शहर में मलेशियाई प्रधानमंत्री की यात्रा भी जारी है। इमरान खान और उनकी पार्टी के समर्थक न्यायपालिका के समर्थन में और उनकी रिहाई के मांग के साथ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। ये रैली पीटीआई के राजनीतिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो इमरान खान की कानूनी चुनौतियों के बीच जन समर्थन जुटाने का प्रयास है। अभी पाकिस्तान सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो सबसे ज्यादा इसी चीज को लेकर परेशान है कि इमरान खान वाली समस्या इनकी खत्म ही नहीं हो रही है। कुछ न कुछ ऐसी चीजें हो ही रही है जिसकी वजह से इमरान खान एक्टिव राजनीति में अभी भी मौजूद ही रह रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ पाकिस्तान में चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बार ताइवान को अपने देश का हिस्सा बनाने के लिए फिर से कहा है। कम्युनिस्ट चीन के 75वें स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में जिनपिंग ने कहा कि ताइवान को साथ लाना उनकी प्रतिज्ञा है, जिसे वो कभी नहीं भूल सकते हैं। शी ने अपने भाषण में इसे मातृभूमि के पूर्ण पुनर्मिलन की तरह बताया। उन्होंने कहा कि यह हमारी आदत है, इसे बदला नहीं जा सकता है। ताइवान चीन का पवित्र क्षेत्र है, खून पानी से अधिक गाढ़ा होता है और जलडमरू मध्य के दोनों किनारों के लोग खून से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस दौरान ताइवान जलडमरू मध्य में गहन आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान और दोनों पक्षों के लोगों के आध्यात्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने का आह्वान किया। साथ ही ताइवान की स्वतंत्रता की बात कहने वालों का दृढ़ता से विरोध करने की भी बात कही है। चीनी गृह युद्ध की समाप्ति के बाद 1949 से दोनों पक्षों पर अलग अलग सरकारें शासन कर रही है। कम्युनिस्टों ने बीजिंग में सत्ता संभाली और 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। बीते दशकों में चीनी नेताओं ने लगातार ताइवान पर कब्जा करने की
कसम खाई। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान पर लगातार अपना दबाव बनाया करती है। जिनपिंग ने ताइवान को साथ मिलाने के लिए सेना के इस्तेमाल की बात भी पूर्व में की है। ताइवान के लोग हालांकि खुद को ताइवानी मानते हैं और चीन के दखल के खिलाफ हैं, इसके बावजूद चीनी सरकार ताइवान को अपना हिस्सा बताती रही है। शी जिनपिंग ने बीते कुछ सालों में ताइवान के खिलाफ काफी ज्यादा आक्रामकता दिखाई है। शी के बयानबाजी से जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ा है और सैन्य टकराव की चिंता बढ़ गई है। बीजिंग ने ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंगते को भी अलगाववादी करार दिया है। लाई के सत्ता में आने के बाद से चीन और ताइवान के तनाव बहुत बढ़ गए हैं। ताइवान के अधिकारियों का कहना है कि बीजिंग ने हाल के महीनों में द्वीप के आसपास सैन्य गतिविधियां तेज कर दी है, जिसे मई में अभ्यास किया गया था। ताइवान ने कहा कि यह अभ्यास द्वीप पर कब्जा करने की अपनी क्षमता का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। ताइवान बार बार इस चीज को कह रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ पर इसने हमला क्यों नहीं किया है। चाइना इस चीज़ को लेकर बहुत अच्छे से जानता है। वैसे आपको बता दूं, इस बात को लेकर अमेरिका भी कहता है कि ताइवान पर हमला चाइना जरूर करेगा और इसके लिए वो लोग तैयारियां भी कर रहे हैं। पर यहाँ पर क्या यूक्रेन और रूस वाला हाल होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए अमेरिका ने प्रोजेक्ट एक्स को एक्टिव कर दिया है और यहाँ पर ताइवान को $567 मिलियन का यहाँ पर सपोर्ट भी दिया है। ताइवान को फर्स्ट शिपमेंट भी मिल रही है हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम की, जो कि चाइना के अटैक के लिए भारी पड़ सकता है। वैसे चाइना का मिलिट्री लगातार इस एरिया में प्रभोग कर रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है। और आपको बता दूं, सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि दलाई लामा ने जब 2 दिनों का बुद्धिस्टों के लिए एक टीचिंग प्रोग्राम रखा, ये भारत में रखा, तो ताइवान से करीब 1300 लोग आए थे और 1300 लोगों ने यहाँ पर इस समारोह में मुलाकात करी। अब देखना होगा कि यहाँ पर चीजें और किस तरीके से बढ़ता है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि देखो, ताइवान की आज़ादी एक डेड एंड है जो कभी नहीं हो सकता है, और अगर तुम सपोर्ट कर रहे हो तो तुम्हें फेस करना पड़ेगा इसको सपोर्ट करने की बात। वैसे आपको बता दूं, ये अमेरिका को सीधे धमकाते हैं और कहते हैं कि अगर आप ताइवान मामले में आते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको इसका खामियाजा भुगतना होगा। हालांकि अमेरिका ने अभी भी यहाँ पर जो मदद है ताइवान को वो बनाए रखा है, उसे इन्होंने रोका नहीं है, और साथ ही साथ प्रोजेक्ट एक्स की भी घोषणा कर दी है। क्या है ये प्रोजेक्ट एक्स? तो इसके तहत ज्यादातर इस बार आपको रोबो आर्मी देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि रोबो आर्मी का प्रभाव बहुत ज्यादा इस युद्ध में देखने को मिलेगा, अगर ये युद्ध होता है चाइना और ताइवान के बीच, या चाइना या अमेरिका के बीच। और कहीं से भी अगर आपको लग रहा है कि ये बात हल्की है, शायद ऐसा नहीं होगा, चाइना और यूएस के बीच में ऐसा कोई वार नहीं होगा, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ये मान रहे हैं कि चाइना और अमेरिका के बीच में जरूर युद्ध होगा और आने वाले समय में ही होगा, वो समय ज्यादा दूर नहीं है। वैसे बात करें तो यहाँ पर अमेरिका का कहना है कि 2025 या 2027 वो एक समय होगा जब हमला कर देगा ताइवान के ऊपर, और ताइवान को उसी तरीके से तैयार रहने की जरूरत है। खैर, अब इसी बीच भारत भी अपने जो भी काम है यहाँ पर ताइवान से, उन्हें जल्दी जल्दी करवा रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।